चलिए, इसको मैं कल वाले रिकॉर्डिंग में माइक चालू ही करना भूल गया था मैं। पूरा साइलेंट में पिक्चर रिकॉर्ड हो गया। देख लेनी चाहिए साइलेंट पिक्चर भी कभी पूरा मैंने माइक ऑन करना भूल गया था और म्यूट में कल को पूरा ऑब्जेक्ट जो है रिकॉर्ड हो गया, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और राइट क्लिक करके नया मैं पेज बनाऊंगा। इधर न्यू फाइल 13 13.java.script वाला वापस बताएंगे, कौन वाला? बता रहे हैं आप कल वाला म्यूट रह गया था। नहीं, कल वाला नहीं, मैं जो रिकॉर्ड करा था वो म्यूट हो गया था। स्काइप पे जो है उसमें वॉइस आ रहा है। मैंने जो रिकॉर्ड करा था ना वो म्यूट हो गया था। यही ऑब्जेक्ट ही बताया था कल, यही वाला। ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और की और वैल्यू के साथ एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे जो एक्सेस करा मैंने, यही है टोटल। एक बार देखिएगा करके प्रैक्टिस, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना? चलिए, ARRAY, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एरे। एरे का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, एरे का क्यों इस्तेमाल करें, उसको थोड़े देर में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मान लीजिए हमें 10 स्टूडेंट का नाम स्टोर करके रखना है, तो क्या करूँगा मैं? name1 इक्वल टू लिख दूंगा यहाँ पे SEMANT, गलत लिख दिया। फिर मुझे दूसरे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है name2, तो यहाँ पे नीतीश लिख दूंगा। और तीसरे स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो कोई और नाम बता दीजिए, छोटे लाल, ठीक है? तो इस तरह से मैं मैनी टाइम, मतलब क्या 50 स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए 50 वेरिएबल बनाऊं? तो ये तरीका मतलब सही नहीं है, मैनेज नहीं कर पाएंगे हम इस तरह से डेटा। और हमें 50 अलग अलग तरह के नाम सोचना, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और 50 वेरिएबल बनाना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो हमें ऐसा वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे कि एक वेरिएबल बने और एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर लें। क्योंकि जैसे ही हम लेट के साथ नेम लिखते हैं और इस तरह से वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो होता ये है कि इंटरनली मेमोरी में कुछ जगह बनता होगा। अगर मैं कुछ इस तरह से करूं तो इस तरह से जगह बनता होगा यहाँ पे, और इसका नाम मान लीजिए name1 हो गया। नेम मैंने 2 जब बनाया तो इसी तरह से एक और बन जाता होगा, इसी तरह से स्पेस रिजर्व होता होगा, डब्बा ही नहीं बन जाता होगा जो है ऐसे। और नेम यहाँ पे name2 अगर मैं लिख दूँ तो इस तरह से जो है बन जाएगा। अब एक नेम इस पे इस डब्बे में स्टोर हो जाएगा, एक नेम इस डब्बे में स्टोर हो जाएगा, इस तरह से कुछ बनता होगा। एक वेरिएबल के लिए सिर्फ एक नेम का जगह एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं सिंगल वैल्यू रख सकता हूँ। तो मुझे ज़रूरत है ऐसे वेरिएबल्स का जिसमें कि एक से ज़्यादा हम डेटा रख सकें, राइट? तो इसके लिए नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है, एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है एरे। एरे का डेफिनेशन क्या है? एरे का डेफिनेशन आपको अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग बुक में, अलग अलग तरीके से मिल जाया करेंगे। तो एरे का क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है एरे का कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो एरे कहलाता है। सिमिलर टाइप का जो डेटा है उसका कलेक्शन हमने बना के रखा तो एरे कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इंट टाइप का मैंने 10 डेटा स्टोर करके रख लिया, मतलब 10 डेटा का कलेक्शन रख लिया हमने, तो एरे कहलाएगा। और एरे जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है,
और एरे रिसाइजेबल नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए पीएचपी है, तो पीएचपी में रिसाइजेबल एरे रहता है। अब ये जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ पे भी रिसाइजेबल एरे रहता है, परंतु बात वही है, मैं जावा का करूँ तो जावा में एरे जो होता है वो रिसाइज नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। तो लेट कीवर्ड का मैं इस्तेमाल करूँगा और एरे का मैं ARR नाम से बना लिया, एरे एरे हो गया। इतने से एरे नहीं बना, एरे बनाने के लिए हमें इतना सिंटेक्स लिखना पड़ेगा और इसके बाद ओपन कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज। जो ARR नाम से जो वेरिएबल बना है, ये एरे टाइप का वेरिएबल है जिसका साइज 0 है, ये एम्प्टी एरे है, ये एम्प्टी एरे है। इसमें डेटा असाइन कैसे किया जाएगा? अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सिमिलर टाइप का डेटा, मतलब एक ही तरह का डेटा का कलेक्शन एरे कहलाता है। लेकिन ये रूल जावा में तो ब्रेक नहीं होगा, सी में भी नहीं ब्रेक होगा, परंतु पीएचपी की बात करें या जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ ब्रेक हो जाता है ये रूल। तो ये कुछ अपवाद है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे 10 असाइन करा, फिर 54 असाइन करा, मतलब जो भी नंबर है असाइन करा मैंने, और इसको प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट लॉग मैं करूँगा और यहाँ पे एरे को प्रिंट कर लूँगा इस तरह से। मैं सब लाइन पे आके राइट क्लिक करूंगा, कॉपी फाइल पाथ, पहले पेंट को मैं हटा देता हूँ, इसका मुझे अब जरूरत नहीं है। चला दूंगा प्रोग्राम, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, इंस्पेक्ट एलिमेंट हो गया, एरे यहाँ पे आ गया। तो ये देखिए नंबर स्टोर किया मैंने अभी। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ और लिख देता हूँ SEMANT, तो क्या अब एरर आएगा? भाई कानून के अनुसार तो एरर आ जाना चाहिए, क्योंकि एरे जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन माना जाता है, पर यहाँ तो सिमिलर नहीं है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नेम है, या फिर यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू में डाल दूँ TRUE, ट्रू, यहाँ पे तो रूल ब्रेक हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो है कि ब्रेक कर दिए जाते हैं, कुछ रूल जो है एक्सेप्शन कुछ है, तो इस तरह से एरे हम बनाते हैं। क्या करेंगे हम, नेम ले लूंगा मैं राम, कॉमा से सेपरेट करेंगे हम सारे एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को कॉमा से हमें सेपरेट कर देना है। श्याम मोहन लिख देता हूँ, तो इस तरह से हम बना लेंगे। सिर्फ ई से एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे हम, अभी तो एरे को प्रिंट करते हैं तो पूरा एरे प्रिंट हो जाता है इस तरह से, देखिए पूरा एरे प्रिंट हो गया, परंतु मुझे सिर्फ राम वाला वैल्यू चाहिए या फिर सिर्फ श्याम वाला चाहिए, तो क्या करूँ, सिंगल वैल्यू चाहिए, एक तो सिर्फ नेम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें गिनती करना पड़ेगा। कैसे गिनती करेंगे, तो गिनती करना बड़ा आसान है, यहाँ पे ये 0 के साथ गिनती करिए, राम है तो यहाँ पे 0 करिए, श्याम में 1 लिख दीजिए, मोहन में 2 लिख दीजिए। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0, अगर यहाँ पे 0 लिखा तो क्या होगा, राम वाला डेटा एक्सेस हो जाएगा। वही यहाँ पे 1 लिख देता हूँ मैं तो श्याम वाला डेटा एक्सेस हो जाएगा, 2 लिख दूंगा तो मोहन वाला डेटा एक्सेस हो जाएगा। मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, इसको मैं कैंसिल करूँगा, श्याम आ गया। तो जब भी आपको डेटा, अगर एरे का सिर्फ सिंगल डेटा अगर प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, गिनती करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, 0 से शुरू करेंगे, 0 1, इसी तरह से आप एक्सेस कर लेंगे। आप मान लीजिए इसका वैल्यू हमें अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे, ARR यहाँ पे लिखा मैं 1, मैं क्या चाहता हूँ कि श्याम के जगह पे क्या आ जाए, कोई और आ जाए, तो किसको ला दूं मैं श्याम के जगह पे, कुछ भी नाम ले लेता हूँ, रमेश लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अब आप देखिएगा क्या आता है, अब यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गया,
पहले श्याम था, मैं ऊपर इसको प्रिंट कर देता हूं एक बार तो और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने एरे बनाया, उसके बाद मैंने प्रिंट करा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1, 1 में क्या स्टोर है, श्याम, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा श्याम। परंतु नीचे आया और यहाँ पे मैंने क्या करा, एरे ऑफ 1 में क्या मैंने डाल दिया, रमेश। तो एरे का जो पहला इंडेक्स था उसमें क्या हो गया, रमेश चला गया। अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा पहले इंडेक्स को, तो प्रिंट हो जाएगा हमारा अपडेटेड डेटा। तो पहले श्याम आ गया, फिर रमेश आ गया। तो इस तरह से आप अपडेट कर लिया करेंगे। कॉन्स्ट मैं कर देता हूँ और फिर रन कर देता हूँ प्रोग्राम, कुछ फर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमने अपडेट कर दिया, करेक्ट। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। आर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू। और अब मैं यहाँ पे आकर के 3 को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ये देखिए डेटा एक ऐड हो गया। अब आप कहेंगे कि कॉन्स्ट में आपने अपडेट कैसे कर दिया, कॉन्स्ट यहाँ पे ए नाम से मैं वेरिएबल बना के 10 असाइन करता हूँ, और फिर ए में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आ गया एरर, मतलब बिल्कुल सीधा है। ये क्या है, नॉर्मल वेरिएबल है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ये जो है रूल है कि जो नॉर्मल वेरिएबल है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते कॉन्स्ट की मदद से। तो इतना तो हमने कर लिया, मैं इन सबको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ। सेलेक्ट करा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के कमेंट कर दिया। मैं क्या चाह रहा हूँ अब, लूप की मदद से इन सबको प्रिंट कराऊं। मुझे अगर एक एक नाम बारी बारी से चाहिए तो क्या मैं तीन, अभी तो 3 ठो एलिमेंट है इसमें, 3 ठो नेम है, तो 3 बार मैं कंसोल डॉट लिख दूंगा आ जाएगा, लेकिन 100 ठो नाम होगा तो क्या करूंगा मैं, समस्या होगा। तो क्या करेंगे हम, लूप चलाएंगे यहाँ पे। मैं सबसे पहले फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर लूप मैंने चलाया यहाँ पे, int क्यों लिख रहा हूँ मैं, let i equal to 0 दे दिया। मुझे नाम 0 से चाहिए, मुझे शुरू से ही चाहिए, इसलिए मैंने i का वैल्यू 0 दे दिया यहाँ पे, 0 सेमी कॉलन i लेस देन, फिर क्या करूँगा, arr डॉट lenGTH, कमेंट करता हूँ पहले इसको। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और arr.lenGTH, लेंथ को पहले चला देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि लेंथ इसका 3 आ गया, 3 ही आया ना, हाँ। लेंथ 3 कैसे आया, इसको कंसिडर किया 1 2 3, इसलिए लेंथ 3 आया है। तो ध्यान होना चाहिए हमें एक चीज कि हम जब लेंथ काउंट करते हैं एरे का, तब काउंटिंग होता है 0 से नहीं, फिर 1 से काउंटिंग होगा। 0 से कब काउंटिंग करेगा, 0 से हम तब काउंट करेंगे जब हमें डेटा प्रिंट करना होगा, लेकिन हमें जब लेंथ काउंट करना है तो 0 हम नहीं लगाएंगे कभी भी। लेंथ निकालना है हमें तो हम 1 2 3, करेक्ट। तो 1 से हम गिनती कब शुरू करेंगे, 1 से काउंटिंग तब करेंगे जब हमें लेंथ पता लगाना है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि लेंथ का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, अब आप बताइए इस एरे का लेंथ कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3, इस एरे का लेंथ 3 होगा, करेक्ट। तो लेंथ अगर हमें काउंट करना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे गिनती, और अगर हमें इंडेक्स निकालना है कि ये किस इंडेक्स पे मौजूद है, हमें वैल्यू प्रिंट करना है जब, तब हम 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 1 2। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 0 1 2, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 एलिमेंट है,
मतलब मुझे यहाँ पे 3 बार लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक तो रास्ता है कि मैं यहाँ पे आऊँ और सीधा 3 लिख दूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग लेंथ को कमेंट आउट कर देता हूँ, 3 तक मैं चलाऊँ और यहाँ पे सेमी कोलन दूँ, आई प्लस प्लस कर दूँ। और अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं पहले आई को प्रिंट कर देता हूँ और आप फिर देखिएगा कि क्या प्रिंट होता है। आई को प्रिंट करा, 0 1 2 आ गया, 0 1 2। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें प्रिंट करना होता था डेटा, तो हम क्या करते थे, ARR, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ARR, और इसमें असाइन कर देते 0, या फिर 1 का प्रिंट करना होता तो 1 लिखते थे, 2 का प्रिंट करना होता तो 2 लिख देते थे, यही करते थे हम। लेकिन अब 1 2 3 हमें कैसे लाना है, डायनामिक लाना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो 1 2 3 किस में आ रहा है डायनामिक, इस i वाले वेरिएबल में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा आई और फिर इसको मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे ऐसे। अब ऐसे मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो मुझे आई सारा वेरिएबल का सारा डेटा मिल जाएगा आराम से हम। तो इस तरह से हम प्रिंट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट था, हम गिनती कर लिए 1 2 3, इसका 3 लेंथ होगा, 3 तक हमने चला दिया, परंतु 100 एलिमेंट होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये एलिमेंट 100 है या 50 है या 80 है। तो ऐसी स्थिति में हमें लेंथ कॉल करना चाहिए। तो हम 3 के जगह पे क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ डॉट LENGTH लेंथ लिखेंगे। तो लेंथ में जो भी लेंथ होगा वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा और फिर हम डेटा अपना प्रिंट कर लेंगे। ऐसे अगर प्रिंट करूंगा मैं तो इस तरह से हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। कमेंट करता हूं मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूं और लूप चला के देखता हूं। यहाँ पे एक और लूप है फॉर ईच। फॉर ईच लूप से कैसे डेटा प्रिंट होगा, तो सबसे पहले हमें एरे का साइन देना होगा, एरे लिखना होगा, फिर उसके बाद डॉट लिखना पड़ेगा और फिर EACH, ई कैपिटल होगा। जावा कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट भी कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे ऐसे और ऐसे लिखा ऐसे कॉल करेंगे। यहाँ पे एक पैरामीटर देंगे डेटा, ये एरे आ गया, ये फॉरिच लूप हमने चलाया। अब ये फॉरिच लूप कितने बार चलेगा, ये फॉरिच लूप उतने बार चलेगा जितना इसमें डेटा होगा। इसमें 3 ठो डेटा है, मतलब 3 बार फॉरिच लूप चलेगा, 0 से 1 2 या फिर 1 से 1 2 3, 3 टाइम चलेगा। हम कंसोल डॉट लॉग में कर देता हूँ यहाँ पे डॉट लॉग डेटा, क्या होगा, पहला बार जब चलेगा तो 1 डेटा इसमें आ जाएगा, इसमें पहला बार राम आ जाएगा, दूसरा बार फॉरिच लूप जब चलेगा तो इस डेटा में श्याम आ जाएगा, मतलब एक एक एलिमेंट एरे में से उठेगा और आ जाएगा यहाँ और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करके देखता हूँ, ये देखिए सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप फॉरिच लूप प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इंडेक्स भी प्रिंट कर लूं, मैं इंडेक्स प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे? हाँ, ये डाटा फंक्शन डाटा समझ नहीं आया क्या चीज है। देखिए यहाँ पे है ये कि मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे लिखा फॉरिच कॉल करा मैंने, ठीक है। अब ये पैरेंथेसिस के अंदर में एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, कैसे, ऐसे एरे में फॉर ईच मेथड दिया हुआ है क्या? हाँ हाँ, एरे में फॉर ईच मेथड है। ऐसे जावा हुआ में तो अलग से फॉर ईच आता है अलग से, वहाँ पे भी वो लेमडा एक्सप्रेशन है जावा वगैरह में भी, राइट। तो फॉर ईच जो मेथड है इसके अंदर मैंने क्या लिखा, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने क्या करा, नीचे एंटर करा तो कर्ली ब्रेसेस जो है वो एनोनिमस फंक्शन का बॉडी है। अब ये फंक्शन का पैरामीटर भी तो होगा एक,
तो एक फंक्शन के पैरामीटर में मैं क्या लिख दूंगा, कोई भी नाम से वेरिएबल बना दूंगा, जरूरी नहीं है डेटा ही मैं लिखूं, यहाँ पे ए भी मैं लिख सकता हूँ, किसी नाम से वेरिएबल बनाऊंगा। अब इसमें से एक एक डेटा पुट करके कहाँ पे आएगा, इस ए वाले वेरिएबल में, इस एरे में से एक एक डेटा उठ करके आ जाएगा यहाँ पे, और फिर हम इसी को कंसोल के मदद से ए को प्रिंट कर लेंगे, हमारा चल जाएगा इस तरह से। तो यही है, हम एरे में क्या कॉल करेंगे, फॉरिच को, और फॉरिच के अंदर हम एक एनोनिमस मेथड बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, और उस एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे एक पैरामीटर कह लो, आर्ग्यूमेंट कह लो। अब मैं आर्ग्यूमेंट पैरामीटर में नहीं बता रहा अभी, जो है अंतर डिफरेंसेस वगैरह, पर आप इसमें पास कर दो आर्ग्यूमेंट और कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दीजिए, आप आ जाएगा। रही है। एनोनिमस का क्या मतलब होगा, क्या कह रहे हैं, एनोनिमस का क्या मतलब होगा? एनोनिमस फंक्शन का मतलब यह है कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, तो वो एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन तो लिखा, लेकिन फंक्शन का कोई नाम मैंने नहीं दिया है। सामान्यतः आप क्या करते हैं कि फंक्शन इस तरह से बनाते हैं, इसमें एफ यू एन फंक्शन का मैंने नाम दिया और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे एफ यू एन क्या है, फंक्शन का नाम है ये। तो अब यहाँ पे भी तो नाम हमें देना चाहिए था कुछ, फंक्शन का एफ यू एन नेम, फंक्शन नेम कुछ यहाँ पे देना चाहिए था हमें, लेकिन हमने नहीं दिया, तो ये एनोनिमस बन गया। तो यही है एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, तो ये चल रहा है अभी। परंतु हाँ, यहाँ पे कोई नाम चलेगा, कुछ भी आप लिख दें, मैं ए सी एम ए एन टी लिख दूंगा तो ये भी चलेगा यहाँ पे, कुछ भी, वो वेरिएबल नेम जस्ट है, वेरिएबल नेम कुछ भी हम दे सकते हैं, ये जस्ट वेरिएबल नेम और कुछ नहीं। नए जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसका सिंटेक्स थोड़ा बदल जाता है। कैसे, मैं बता दूं या कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मैं लिख दे रहा हूं, देखिए इसको मैंने हटाया और यहां पे आया, मैं ना राइट करता हूं, ऐसे करूंगा लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा। देखिए ये राइट करा मैंने, इतना राइट करा, फिर इसमें पैरेंथेसिस फिर से ओपन क्लोज, इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे, ये देखिए ये है नए जावा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स। अब यहाँ पे भी मैं क्या दूंगा, एक वेरिएबल का नाम दे दूंगा कुछ भी, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर लूंगा, यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया। मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, रहने देता हूँ, नहीं करता हूँ, दो बार प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा पहले वाले लूप का और ये दूसरे वाले लूप का, तो ये नए जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है और ये पुराने जावा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। नया वाला एक बार और बताइए, देखिए क्या करना है हमें, इस तरह से पहले लिख देना है, मैं इन सबको दूर दूर कर देता हूँ, ऐसे इतना लिखा। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर आके फिर से एक ब्रेकेट दीजिए, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, ग्रेटर देन, फिर क्या देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे, और जहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करा वहां पे एंटर हिट कर दीजिए, फिर से एंटर हिट किया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये पूरा बॉडी हो गया ये पूरा। अब यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट। और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे देंगे, डॉट लॉग दे दिया और इसको मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट हो गया। थोड़ा सा उठपटा अटपटा लग रहा होगा ये, परंतु अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ तो ये क्लियर हो जाएगा, तो आगे चले इसमें दिक्कत होगा नहीं होगा। ठीक है आगे चले, मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, ये दोनों फॉरिच लूप को। कुछ लूप और भी हैं, दो लूप और मैं बता देता हूँ।
फॉरिन लूप, एक है फॉरॉप लूप, दोनों में क्या अंतर है आपके सामने मैं दिखा देता हूं। पहले ए नाम का कोई भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा, पहले कोई भी वेरिएबल का नाम ले लूंगा, मैंने ए ले लिया, फिर क्या लिखूंगा मैं इन, उसके बाद क्या दे दूंगा मैं एरे का नाम, एरे का नाम दूंगा, एरे का नाम हमारा ये है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एरे का नाम, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया और कंसोल में डॉट लॉग यहाँ पे मैंने ए लिखा। अब इसको मैं सिंपल सी बात है प्रिंट कर दूंगा, क्या प्रिंट हो गया, ये इंडेक्स प्रिंट किया है 0 1 2। अब यहाँ पे आप चाहें तो ए आर आर लिखें और ऐसे कर दें, इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। आ गया, तो फॉरिन लूप क्या प्रिंट करता है, की या इंडेक्स। ऑब्जेक्ट में अगर आप फॉरिन लूप चलाएंगे तो की मिलेगा आपको, और एरे में फॉरिन लूप चलाएंगे तो क्या मिलेगा, इंडेक्स, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल गया। ये तो फॉरिन लूप है, सेम ऐसा ही एक है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप का क्या सिंटेक्स है, इन के जगह पे मैं ऑफ लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, इन के जगह पे मैं ऑफ लिखूंगा, एक क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू प्रिंट कर देता है। तो ये देखिए, ये है फॉर ऑफ लूप का रिजल्ट और ये है फॉर इन का रिजल्ट। तो अगर आपको की चाहिए, आपको की फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, फॉर इन लूप चलाएंगे, फॉर इन लूप ऊपर चलाया है मैंने, फॉर इन लूप ऊपर की प्रिंट किया, और फॉर ऑफ लूप वेरिए एरे का वैल्यू प्रिंट कर दिया। की से मतलब मैं इंडेक्स बोल रहा हूँ, जो हमने यहाँ पे 0 1 2 काउंट करा था, तो वही है यहाँ पे। तो इन दोनों लूप में भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक, एरे के कुछ एक दो मेथड पढ़ लेते हैं हम, तो मैं देख लूं, दो नहीं पढ़ लिया। सताईस हो गया, पढ़ ले, हाँ, चलिए एक दो पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, एक दो पढ़ लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि एरे जो है ये ऊपर चला गया, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके छोड़ देता हूँ और इसी एरे को नीचे ले लाता हूँ, ऐसे ले लाया और एरे का नाम बदल देता हूँ ARR1। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ARR1 को मैंने प्रिंट कर दिया। मेरा ऑडियो नहीं काम कर रहा अभी भी, चलिए कोई बात नहीं, सिंपल। जाएगा हाँ आप देखते हैं जो होगा, कोई बात नहीं, आप लोग तो कर ही ले रहे हो ना इधर, यहाँ पे राम श्याम मोहन आ गया है, करेक्ट। इसमें एक मेथड क्या है, स्ट्रिंग, नहीं स्ट्रिंग नहीं, डॉट टू STRING, सॉरी डॉट टू, टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, जस्ट लाइक जावा का टू स्ट्रिंग मेथड, ये कॉमा कॉमा से सेपरेट करके आपको दे देता है टू स्ट्रिंग मेथड। मैं इसको कमेंट कर देता हूं, यहां पे मैं आता हूं और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ARR1.join, ज्वाइन, ज्वाइन में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेमी कॉलन देता हूँ, ज्वाइन में मैंने दे दिया सेमी कॉलन। अब देखिएगा आउटपुट इसका क्या आएगा, पहला आउटपुट कॉमा के साथ आया था, ये आउटपुट सेमी कॉलन के साथ आया है, सेमी कॉलन को हटा के मैं स्टार करता हूँ, तो आप देखिएगा क्या होगा, ये देखिए स्टार स्टार से सेपरेट कर दिया, मतलब सीधा सा है
डॉट टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, कॉमा के साथ सेपरेट करके आपको स्ट्रिंग के रूप में एरे का पूरा डेटा दे देता है। परंतु ज्वाइन मेथड भी वही काम करता है जो टू स्ट्रिंग मेथड काम किया, परंतु ज्वाइन मेथड में आप आर्ग्यूमेंट पास करके सेपरेटर खुद से दे सकते हैं। ज्वाइन मेथड पास करके खुद से आप दे सकते हैं सेपरेटर। सेपरेटर मैंने दे दिया स्टार, तो प्रिंट कर दिया यहाँ पे स्टार के साथ सेपरेट करके। कमेंट कर देता हूँ, इस तरह से आप सेपरेट कर लेंगे। मान लीजिए हमें इसमें और डेटा ऐड करना है, इसमें डेटा हमें और ऐड करना है और जोड़ना है, तो क्या करेंगे? एक तो मैंने आपको बताया 1 0 1 2, आप चाहें तो यहाँ पे आए ARR 1 और यहाँ पे 3 इंडेक्स पास करके कोई डेटा दे दें ऐसे, राइट। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, एक मेथड होता है push.push, यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, मोहन तो दे दिया हूँ, राम श्याम मोहन हो ही गया, कुछ और नाम बता दीजिए, छोटे लाल दे देता हूँ, फिर से मैं कंसोल डॉट लॉक कर देंगे ARR 1। नॉइस ऐसा आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे राम श्याम मोहन तो ये पुराना डेटा है, लेकिन एक डेटा और जोड़ दिया गया, छोटे लाल आ गया यहाँ पे। तो पुश मेथड का क्या काम है, नया डेटा ऐड करना एरे में, ये पुश मेथड है। पुश मेथड नया डेटा ऐड कर देता है। अगला देखते हैं मेथड, हम उसको मैं रहने देता हूँ। मान लीजिए डिलीट करना है आपको, तो कैसे करेंगे, ARR 1 डॉट स्प्लाइस मेथड है ये, इस तरह स्प्लाइस मेथड को दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, मान लीजिए मुझे श्याम डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 0 1, श्याम 1 इंडेक्स पे है तो यहाँ पे लिख दूंगा 1। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, मैं ये पुश मेथड को भी कमेंट कर देता हूँ अभी। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लेता है कि जो इंडेक्स यहाँ पे आपने दिया उसके बाद कितना डेटा और डिलीट करना है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ श्याम डिलीट हो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका सीधा है कि पहला डेटा, पहला यहाँ पे इंडेक्स दिया मतलब 0 1, मतलब 1 इंडेक्स डिलीट कर दो, उसके बाद कितना डेटा डिलीट करो, तो दूसरा पैरामीटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या डाला है, 1, मतलब सिर्फ एक ही डेटा डिलीट करो। तो इसका आउटपुट आप देख लीजिए, एक डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आया, ये देखिए राम मोहन बाकी रह गया, लेकिन श्याम जो था वो डिलीट हो गया। मुझे मोहन भी डिलीट कर देना है, श्याम भी मोहन भी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरा पैरामीटर को 2 कर दूंगा, मतलब डिलीट करना शुरू करो 1 इंडेक्स से, मतलब श्याम से, और डिलीट कहाँ तक करो, 2 इंडेक्स तक, मतलब दो एलिमेंट और 2 इंडेक्स, सॉरी नहीं 2 इंडेक्स नहीं होगा बल्कि 2 एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट ये होगा। मैं इसको प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, सिर्फ राम बचना चाहिए, राम बचा है, तो इस तरह से आप डिलीट कर देंगे डेटा। कुछ पूछना है इसमें आप? पूछना है, जैसे कि हमको पता नहीं है जो एरे में कितना डाटा है, लेट अस सपोज कितना भी है 500 600, और हम चाहते हैं 50 के बाद पूरा डिलीट हो जाए, तो फिर उसके लिए 50 के बाद सारा डेटा डिलीट हो जाए, हाँ, और पता नहीं तो लेंथ वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे हम उसमें, ये डालना पड़ेगा ना जो कितना तक है, हाँ, लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे हम, यहाँ पे पास कर सकते हैं, जैसे एरे डॉट लेंथ पास कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे दे देंगे हम क्या 50, ठीक,
50 के बाद कितना डेटा है, तो लेंथ को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 50 से, तो जो बचेगा उसे हम क्या कर देंगे, स्प्लाइस कर देंगे। इस एरे को मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, हटा देता हूं इसको यहां से, यहां पे आया, डॉट लगा देता हूं यहां पे। अब यहां पे बहुत सारे मेथड आ रहे हैं एरे का, तो यहां से भी आप देख सकते हैं एरे का मेथड कितने सारे हैं। ये देखिए ज्वाइन है जो मैंने आपको बताया था, मैं पॉप, पॉप मेथड भी क्या करता है, डिलीट ही करता है डेटा एक ही एलिमेंट। यहाँ से जो है आप और भी चाहें तो देख सकते हैं मेथड, करेक्ट। ये देखिए रिवर्स है, स्प्लाइस है जो मैं अभी बता रहा, सॉर्ट है जो सॉर्टिंग करता है, ट्विस्टिंग मेथड है जो कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था सेपरेट के साथ, कीज है यहाँ पे, लास्ट इंडेक्स ऑफ है मतलब लास्ट वाला इंडेक्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मेथड वगैरह और देख सकते हैं। तो यहां तक में तो कुछ समस्या नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा ना, आएगा नहीं, नहीं आएगा। तो एरे का तो मेथड तो और सारे बहुत सारे हैं, परंतु हम अभी इतना ही पढ़ रहे हैं, जब जरूरत होगा हमें और काम करते, इसमें प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करेंगे, तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम और बाकी मेथड भी पढ़ लेंगे, राइट। तो क्या कहते हैं आप लोग, क्लास एंड किया जाए? हाँ, खत्म किया जाए। चलिए ठीक है, एंड कर देते हैं।